लोगों ने घोषणाएं करी कि सभी ट्रैक्टर ट्रॉली वाले, सभी डंपर वाले आज छुट्टी करें और सब इंशाल्लाह आज इंशाल्लाह होगा मेरी बात में, इस तरह बोलकर सभी इकट्ठे हुए। एक लोगों ने ये वन साइडेड हमला किया था वहाँ पर, जो हमें अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी था और वहाँ पर इतना भयावह मंजर था कि मैं बता नहीं सकता। जुलाई सोमवार का वो खौफनाक मंजर शायद ही कोई भूल पाएगा, जिस समय हिंदू संगठन के लोग ब्रजमंडल शोभा यात्रा में शामिल होकर जल अभिषेक करने के लिए नुह स्थित नल्लल के नलेश्वर शिव मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान प्री प्लान तरीके के तहत मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक साजिश के तहत ब्रजमंडल शोभा यात्रा को आगे पीछे डंपर लगाकर घेर लिया और उसके बाद यात्रा में मौजूद लोगों पर पत्थरबाजी, फायरिंग और गाड़ियों में तोड़फोड़ व आगजनी की घटना को अंजाम देते हुए तांडव मचाना शुरू कर दिया। इस यात्रा में शामिल माता बहनों को किसी तरह से उपद्रवियों के चंगुल से निकालकर शिव मंदिर के अंदर ले जाकर छिपाया गया तो कुछ लोगों ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। उपद्रवी इतने बेखौफ थे कि उनको ना तो पुलिस का खौफ था और ना ही कानून का डर, जिन्होंने पुलिस वाहनों व एम्बुलेंस को भी आग के हवाले कर दिया। उपद्रवियों का तांडव इस कदर बरपा कि वहां पर मौजूद दो पुलिसकर्मी सहित करीब दर्जन भर लोगों की हत्या कर दी गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस दंगे के पीछे हाथ किसका था। अब उन लोगों के नाम भी सामने आने शुरू हो गए हैं। अगर हम गौरक्षा बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी की माने तो मेवात के अंदर रहने वाले तीन लोगों के इशारे पर इस सारी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें फिरोजपुर झिरका के विधायक मामन खान, नुहू के विधायक अहमद व जाबिर घाटिमका शामिल हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनकी संपत्ति को कुर्क करने के लिए मांग की गई है। चार दिन पहले मेव आर्मी का गठन किया गया और उसके बाद प्री प्लान तरीके से इस शोभा यात्रा पर हमला किया गया था। प्रोग्राम कई महीनों से तय था और ये पहला प्रोग्राम नहीं था, पहले भी हमने यात्राएं निकाली हैं और लेकिन 15 दिन से उनकी तैयारी थी। यूट्यूबर वाले जितने भी मेवात के चैनल हैं आप सर्च मार लेना, मेरे कहने से नहीं वो तो आ जाएंगे, कि उन्होंने बोला था, मोमन खान ने भी बोला था सदन में कि प्याज सी फोड़ देंगे, लेकिन अब दोबारा उन्होंने वीडियो चलाई कि तुम बोलते बोलते हो प्याज सी फोड़ना है, प्याज फोड़ के दिखाओ। उसी को लेकर उन्होंने घोषणाएँ करी कि सभी ट्रैक्टर ट्रॉली वाले, सभी डंपर वाले आज छुट्टी करें और सब इंशाल्लाह आज इंशाल्लाह होगा मेरी बात में, इस तरह बोलकर सभी इकट्ठे हुए और ये कह रहे हैं पुलिस नहीं आई, पुलिस आई, लेट पहुंची। क्यों पहुंची? क्योंकि उन्होंने रास्ते जाम कर दिए थे, आगजनी इतनी तगड़ी हुई कि वहां रास्ते ब्लॉक कर दिए थे पहले ही 5 किलोमीटर दूर। इस मेरी वीडियो पे अगर कोई आवाज़ बोलता है, मेरे पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करता है, ये उनका जो घिनौना कृत्य है उसको दबाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने जो गंदे काम करे हैं और इतने बड़े पैमाने पर लूटपाट, आगजनी और हत्याएं की हैं, हमारे दो जवान पुलिस के शहीद हुए हैं, हमारे सनातनी भाई शहीद हुए हैं, इसको छुपाने के लिए वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई, इतने बड़े पैमाने पर हथियार, इतने बड़े लोगों को इकट्ठा करना, इतना साधन इकट्ठा करना, क्या वो तैयार थे कि बिट्टू बजरंगी कुछ बोलेगा और हम बंदूक तान देंगे? आधे घंटे में मेरी वीडियो जैसे वायरल भी हुई मान लो, तो आधे घंटे बाद ही मैं बात पहुँच गया, तो क्या वो तैयारी बैठे थे? ये तैयारी पहले से 15 दिन पहले से, इस जो मैंने टिप्पणी डाली उस पर मेरे पर मुकदमा दर्ज हुआ और कल मैंने कोर्ट से जमानत भी ले ली। कानून अपना काम करेगा, लेकिन जिन लोगों ने ये सारी घटनाएं करी वो भागे फिर रहे हैं और मैं अपने घर पे हूँ, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन होना चाहिए, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि थूकने पे हमारी यूपी सरकार ने उनके घरों को तोड़ दिया, ऐसे यहाँ पे ही होना चाहिए, आगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो, चाहे वो कोई धर्म का आदमी हो इस तरह से आगजनी करेगा और अफसरों को मारेगा, जनता को मारेगा, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। देखो इसमें मेन आदमी तीन आदमी है, इसमें इसमें जाबिर घाटिमका, मोमन खान और आफताब अहमद कांग्रेस के नेता, इन्होंने पूरा इस दंगे में इनका रोल है और पूरा हाथ है। और रही बात मोनू मानेसर की, मोनू मानेसर को अगर मोनू मानेसर पे इसने, मोनू मानेसर ने ये कहा कि सभी सनातनी भाई शोभा में यात्रा में शामिल हो, तो क्या इस पे उसको फांसी लग सकती है? क्या पाप कर दिया उसने ऐसा बोल के?
कि अपने सनातनी भाई सभी पहुँचे, इतना बोला है, क्या ये पाप हो गया? लेकिन जब उसने वीडियो मनु मानेसर ने जारी करी तभी से भी चालू हो गया था वहाँ पे कि मनु मानेसर आ रहा है, माहौल खराब कर देंगे, मनु मानेसर को रोको। क्या किसी ने देखा नहीं? क्या किसी ने पूछा नहीं कि वीडियो जारी क्यों हो रही है कि मनु मानेसर आ रहा है और हम माहौल खराब कर देंगे, वो नहीं आना चाहिए? क्या सबकी आंखें मुंधी पड़ी? मैं वो आर्मी बनाई उन्होंने चार दिन पहले, वो हमारे लिए ही बनाई थी, इसीलिए जुलूस था, प्लानिंग पूरी बनाई उन्होंने, पूरा गैंग बना रखा था, पूरे ग्रुप बना दिए, चार दिन में बड़ी तैयारी चल रही थी उनकी, राजस्थान तक के लोग इकट्ठे हो गए, तो ये सारी चीज़ें पहाड़ों पे इकट्ठे हो गए, हथियार लेके इकट्ठे हो गए, गोली मारने लगे, यानी कि ये सारी सिर्फ चीज़ आधे घंटे में हो गई, काफ़ी समय से 15-20 दिन तक तैयारी चल रही थी उनकी। यही आरोप है, उन्होंने भड़काने की कोशिश करी, गलत बयान दिए, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, उनके घर टूटने चाहिए बुलडोजर। मोमन खान और आफ्ताब अहमद कांग्रेस का नेता है उन पर, और एक जाबिर घाटमी का, जिसने हमारे फरीदाबाद में आके भी आग में घी डालने का काम किया, उसने कहा कि कोई क्राइम ब्रांच वाला मेवात आके दिखाए, हम उसकी टुकड़े टुकड़े कर देंगे, उसकी छिद्दी छिद्दी कर देंगे, ये बोला। मैंने डीसी को ज्ञापन दिया है, बच्चे सनातनी भाई वहाँ पूजा करने आए थे, संगठन के लोग, सभी दलों के लोग, सबकी हत्या करके एक मैसेज दे दें कि अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस तरह नारे लगाकर हमारी पूरी हत्या की साजिश थी। ब्रजमंडल शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के दौरान आत्मरक्षा में फायरिंग करने वाले बल्लभगढ़ के अशोक बाबा ने वहां के खूनी मंजर को बयां करते हुए कहा कि यदि और पुलिस की थोड़ी देर भी हो जाती तो वहां पर मरने वालों की संख्या 6,000 के पार होती। और जैसे ही हम दर्शन करके जलाभिषेक करके हम बाहर निकले, हमने धुएं के बहुत बड़े बड़े गुबार देखे, वहाँ पर धुआं उठता हुआ देखा। जैसे ही हम गए तो वहाँ पर हमारी 7 से 8 बस माता बहनों की फंसी हुई थी, और एक दो बसों में आग लगा दी गई थी, 2-4 गाड़ियों में आग लगा दी गई थी। उन माताओं बहनों को किसी तरीके से हम बचा कर मंदिर तक ले आए। मंदिर तक ले आए तो वहाँ पर कुछ समय बाद ही और अपने आईजी रेंज अपना ममता सिंह जी की टुकड़ी आ जाती है पुलिस बल को लेकर। इतनी देर में पुलिस बल को आता देखकर ऊपर से ज़्यादा फायरिंग होने लगी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर वहाँ पर चालू हो गया। तो उन सबको देखते हुए हमारे मेरे बाजू में खड़े हुए एक आदमी को गोली लग गई, ऑन द स्पॉट वो मर गया। मैंने अपना डिफेंस देखते हुए एक हवाई फायर, सेल्फ डिफेंस में मैंने एक हवाई फायर कर दिया वहाँ पर। पहले से ये बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा, अपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी से, कि इसमें कोई बड़ी साजिश निकल कर सामने आ सकती है, उसके तहत ये काम किया गया है। क्योंकि हमारी इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों को ममता सिंह जी ने सुरक्षित निकाला है वहाँ से, और उन्होंने बड़ी समझदारी से सूझबूझ से काम लिया है। उनके ऊपर भी फायरिंग हुई थी वहाँ पर, वो मौके पर सारे चश्मदीद हैं, सारे गवाह थे, हम खुद मौके पर देख रहे थे। जब जाके पुलिस ने मोर्चा वहाँ पर संभाला है, जब वहाँ पर हमारी जान बची। ममता सिंह जी अगर नहीं होती, जो अभी 6 हत्याएं हुई हैं, तो ये 6,000 में तब्दील होती, 6,000 हत्याएं होती इसमें। को जिस तरीके का ये हमला किया गया, ये एक हमला था, कुछ चैनलों ने ये दंगा दिखाया है, ये गलत है बिल्कुल, ये कोई दंगा नहीं था, ये वन साइडेड हमला है। एक लोगों ने ये वन साइडेड हमला किया था वहाँ पर, जो हमें अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया था वहाँ पर, बहुत ज़्यादा भारी था और वहाँ पर इतना भयावह मंजर था कि मैं बता नहीं सकता। का कोई भी डर नहीं है, जिस चीज़ को वहाँ पर देख के लगता है, हमारी तरफ आगजनी करते हुए लोग अल्लाह अकबर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बढ़ रहे थे, आगजनी हो रही थी बहुत बुरी तरीके से। बता दें कि इस घटना को लेकर भले ही पुलिस द्वारा अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को नुह मेवात सहित मेवात के साथ लगते जिलों में तैनात कर दिया गया हो और अतिरिक्त पुलिस बल भी बुला लिया गया हो, लेकिन अभी भी इस खौफनाक मंजर को भुला नहीं पा रहे लोग। हालांकि पुलिस ने जहां मेवात के अंदर 145 FIR दर्ज करके करीब 150 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, वहीं गुरुग्राम सहित अन्य जिलों में भी पुलिस की ये कार्यवाही जारी है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक उन लोगों की गिरेबान तक नहीं पहुंच पा रही हैं जो इस दंगे के मास्टरमाइंड हैं। हालांकि अब देखना इस बात का होगा कि पुलिस साजिश रचताओं को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। हरियाणा वरदान के लिए फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट।
देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।